दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला ड्रिंक है चाय। चाय की वजह से जितने भी हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस बने या चाय के बारे में जितने भी नेगेटिव फैक्ट सामने आ जाए, इंडियन फैमिली में चाय बनना कभी भी बंद नहीं होगा, चाय पीना भी कभी भी बंद नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाय पीने से मना नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी 3 ऐसे इन्ग्रीडियंट के बारे में जिनको अपने चाय में मिला के आप अपने चाय को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हो। ये रेसिपी फॉलो करके अगर आप अपना चाय बनाओगे तो चाय के फ्लेवर बढ़ने के साथ साथ ये चाय आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देगा और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच शुभर्णा और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लीव विद शुभर्णा। दोस्तों चाय की पत्ती में हमें मिलते हैं बहुत सारे हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट। तो दिन में अगर आप 2 से 3 कप चाय पी रहे हो तो आपको ये सारे एंटीऑक्सीडेंट की हेल्थ बेनिफिट मिलती है। बट दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, 3 कप से ज़्यादा चाय एक दिन में नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज चाय में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ होता है कैफीन, और अगर बहुत सारे कैफीन आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाए तो आपकी रात की नींद खराब होती है, उसके साथ साथ आपको एंजाइटी एंड स्ट्रेस के इश्यूज भी होते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगी और 3 इंग्रेडिएंट क्या है जिनको चाय में ऐड करने से आपकी चाय की हेल्थ बेनिफिट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनमें से पहला इंग्रेडिएंट है जिंजर। बेसिकली इंडियन पंजाबी फैमिलीज में चाय में जिंजर मिलाया जाता है, और चाय में जिंजर मिलाने की वजह से चाय एक ऐसे ड्रिंक में कन्वर्ट हो जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन एंड पेन से रिलीफ देता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। दूसरी जो इंडियन स्पाइस आपको यूज़ करनी है वो है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा जड़ी बूटी है जो इंडियन आयुर्वेदा में बहुत पहले से बहुत सारे रीजन में यूज़ हुए आ रहे हैं। बेसिकली दालचीनी के साथ चाय को बढ़ाने से ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और आपके बॉडी में छोटे मोटे इन्फेक्शन के अगेंस्ट अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। बट दोस्तों ध्यान रखना, श्रीलंकन दालचीनी में हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा मिलती है, तो अगर आप दालचीनी खरीद रहे हो तो इंडियन या फिर चाइनीज दालचीनी आपको नहीं लेनी है, आपको बस श्रीलंकन दालचीनी ही खरीदनी है। तीसरी इंग्रेडिएंट है छोटी इलायची। छोटी इलायची आपके चाय के फ्लेवर को बढ़ाने के साथ साथ ये आपके बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और वेट लॉस को भी प्रोमोट करता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी सारे इंग्रेडिएंट को चाय में मिलाने की क्वांटिटी क्या है और ये इंग्रेडिएंट के साथ आपको एग्जैक्टली अपनी चाय कैसे बनानी है। 1 कप चाय बनाने के लिए आपको लेनी है 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/4 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर एंड 1 छोटी इलायची। छोटी इलायची को आप कूट कर ले सकते हो। अब ये सारे इंग्रेडिएंट को पानी में डालकर पानी को बॉयल होने के लिए गैस पर रख दीजिए। पानी जब अच्छे से बॉयल होने लग जाए तो उसमें चाय की पत्ती मिलाकर फिर से अच्छे से बॉयल कीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, आपको चाय की पत्ती को अच्छे से बॉयल करनी है, बिकॉज जब चाय की पत्ती अच्छे से बॉयल होने लग जाते उनके सारे एंटीऑक्सीडेंट पानी में आ जाता है, और अब जब वो चाय पियोगे तो आपको भी सारे बेनिफिट मिलेंगे। जब ये चाय की पत्ती अच्छे से बॉयल हो जाए तो फिर आप उसमें दूध मिला लीजिए और फिर गैस को बंद करके चाय को छान कर पी जाइए। दोस्तों यहाँ पर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान में रखो। बेसिकली ये चाय में आपको चीनी नहीं डालनी है, आपको गुड़ या ब्राउन शुगर भी नहीं डालना है। ये सारी चीज़ों में हमें कैलोरी सेम ही मिलती है। या तो आप ये चाय को फीकी पीजिए, या फिर अगर फीकी चाय आपको पसंद नहीं है तो कोई भी 0 कैलोरी स्वीटनर आप यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप चाय कभी भी खाली पेट नहीं पियोगे, या फिर कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं पियोगे। चाय पीने का बेस्ट टाइम होता है खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हो, या फिर मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग बहुत अच्छे से रहना और हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हेल्दी लिविंग एवरीवन।